अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी, ये लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए गर्मियों की स्पेशल सरदाई की रेसिपी। ये मेरे हस्बैंड बना रहे थे तो मैंने वीडियो शूट कर ली। इसमें हम यूज़ करते हैं बादाम, सौंफ है और संदल है। सौंफ जो है फ्लेवर के लिए ऐड करते हैं, और जो है खशखाश है, मिश्री है मीठे के लिए, और साथ चार मगज़ है। और हम लोग इसमें डालेंगे छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, और उसके साथ हम लोग थोड़ी सी दो चंद दाने जो है ढकनी मिर्च भी ऐड करते हैं। आपको तो पता है कितने फ़वाद है उसके। तो ये जो है हम लोग ग्राइंडर में भी इसको जो है बना सकते हैं, लेकिन इसका देसी जो प्रॉपर तरीका है ना, जो डंडा गुंडी में बनाते हैं, तो बड़े मेहनत से ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं इस वक्त। और इर्द गिर्द जी मेरे बच्चे भी बैठे हैं, बच्चों के साथ काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप लोग आगे देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ होती है, और ये जिस्म के अंदर की गर्मी भी निकालता है। बहुत ही ठंडी इसकी तासीर होती है। ये हर जो है गर्मियों में हमारे घर बहुत बनाते हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन जो है इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही अभी तक बन गई है। वीडियो मुझे एडिट करने और वॉइस ओवर में टाइम लग गया। इस बीच ये जो है 3 दफ़ा बन ही चुकी है तकरीबन। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें, ये ढकनी मिर्च भी इसमें ऐड हो रही है। तो ये फुल प्रॉपर रेसिपी दे रही हूँ, और इन सब चीज़ों को अलग अलग जो है डंडा गुंडी में पीस कर, फिर इसमें जो है इन सबको एक साथ करके और पानी के साथ फिर इसको कूट कूट के, तो इसका अर्क निकालते हैं और उस पर पानी ऐड किया जाता है। दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम पानी ऐड करते हैं। बहुत ही मज़े की होती है, टेस्टी होती है, अच्छी चीज़ है। आप लोग भी इस्तेमाल करें, गर्मियों में मज़े की भी लगती है और जो है हेल्दी भी है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। कोशिश करें आप ये जो है खाली पेट का यूज़ करें, क्योंकि मैंने जो है एक दफ़ा पिया ये भरे पेट पे, तो मुझे मेरे दिल को बहुत बुरा लगा। और देखिए, मेरी बेटी भी जो है अपने पापा के साथ उनकी हेल्प करा रही है। अब ये चार मगज़ डाल दिए हैं, इनको जो है हम लोग करेंगे, पहले इसको अच्छे से पीस लेंगे, फिर हम कुछ और करेंगे। अच्छा, थोड़ा साया पड़ रहा था ट्राईपॉड का, मेरे पास प्रॉपर कोई जगह नहीं थी, मैं बस। और आप सब सुनाएं, आप सब कैसे हैं, ठीक हैं? प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। अभी तो मेरे स्टार्टिंग है, और मैं अपने आप को सेट कर रही हूँ, रूटीन पर ला रही हूँ, तो मैंने अभी कोई शेड्यूल इसका नहीं बनाया वीडियोज़ का। काफ़ी शूट की हुई होती हैं, लेकिन जो है मैंने नहीं किया अभी तक, एडिट नहीं किया। टाइम लग जाता है, बच्चों के साथ बच्चों के 100 काम होते हैं। आज जो है मैंने कपड़े भी वॉश किए, और फिर अभी जो है मैंने बनाई है मैंगो आइसक्रीम अपनी बेटी के लिए, तो उसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं की। बहुत ही मज़े की तैयार होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर शूट करूँगी। और भी एक दो वीडियो शूट हुई हुई है मेरे पास, बस एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा, या तो मैं ख़ुद सुस्ती कर रही हूँ। असल में ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है इसमें बहुत। इस वक्त जैसे अब ये वीडियो जब बन रही थी, शूट हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में ना नॉइज़ थे, तो नॉइज़ के साथ तो मैं आप लोग के लिए वीडियोज़ नहीं डाल सकती हूँ। तो मुझे ख़ास व ख़ास जो है ना वॉइस ओवर करना पड़ता है, बच्चों को भेजना पड़ता है, और पंखा बंद करके एक जगह जाके जहाँ शोर ना आए, तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ। अब जब मैं ये वॉइस ओवर करने के लिए आई हूँ ऊपर रूम में, तो पीछे वॉल्स वाले आइसक्रीम वाले आ गए, और बैकग्राउंड में थोड़े नॉइज़ थे। कंट्रोल करने के बाद कि अल्लाह ये ख़त्म हो, मैं जो अपनी वीडियो एडिट करूँ, तो इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और चूँकि मैं अभी नहीं हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की आदत नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब समझ आ जाएगा। मैं भी सीख रही हूँ, आप लोग भी सीखिए। ये सीखने का अमल जो है ख़त्म नहीं होता, ये तो चलता ही रहता है। जितना भी इंसान बड़ा हो जाए, या जितना भी बड़ा यूट्यूबर भी मैं बन जाऊँ, अगर मैं कहूँ बन जाए, तो वो भी सीख ही रहे होते हैं साथ साथ। जो भी बड़े यूट्यूबर्स हों, वो भी सीख ही रहे होते हैं, तो सीखने का अमल तो चलता ही रहता है ज़िंदगी के साथ। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो है संदल है, ये देखिएगा ज़रा, ये जो है पाउडर फॉर्म में, तो ये ऐसे ही डाल देंगे।
तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आप लोग किस कंटेंट में मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों को रूम टूर होम टूर भी दूँ, लेकिन और मैं जैसे कि मैंने अपना चैनल नो कुकिंग बेस पे नहीं रखा है, मैंने जो है लाइफस्टाइल बनाया है। मैं अपने रूटीन ब्लॉग्स, जो रूटीन में जैसा काम होता है मैं अपनी वीडियोस वैसी शेयर करती हूँ। अब जो मुझे लगता है कि यूनिक चीज़ है, ख़ास चीज़ है, तो कोशिश करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसके अलावा मैं खाली एक कुकिंग चैनल चाहती थी कि मैं रोज़ रोज़ इतना वो करना मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं होता, तो मैंने अपने रूटीन लाइफ बताया। रूटीन लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरी लाइफ है, जैसी मेरी रूटीन है, मैं आपके साथ वो सब शेयर करूं। तो अभी मैं उसके लिए अपने आप को सेटिंग की तरफ लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मुझे जो यूनिक लगता है, जो मुझे लगता है कि ये वीडियो मुझे शूट करनी चाहिए, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ये जो है सरदाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये। अब मेरे हस्बैंड ने सौंफ डाली है, फिर हम मिस्री भी पीस लेंगे और ये सब चीज़ें मैं पीस कर इसमें जो है ना पाउडर फॉर्म में बन के, तो आप आगे देखेंगे कैसे इसका अर्क निकालते हैं ये लोग। जी अब ये मिस्री डाली है, हम मिस्री इसको पीस लेंगे। और मेरी बेटियां जो है साथ ही बैठी हैं, बाहर जा ही नहीं रही थी। ये बच्चों के लिए एक न्यू एक्साइटमेंट होती है कि ये क्या हो रहा है, और फिर साथ वीडियो भी शूट हो रही है, तो वो अपना मोबाइल लेके, मेरी जो बेटी है वो अपना मोबाइल लेके बैठ जाती हैं और जो है ना वीडियो बना रही होती हैं। और बस बच्चों के लिए नहीं है, और स्कूल भी बंद हैं, हालात ऐसे हैं, कोरोना वायरस का एक खौफ है, बस अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर और इस वबा को जल्दी से जल्दी ख़त्म करे, कि लाइफ सबकी अपनी रूटीन पर आ सके और रूटीन वाइज काम हो। अभी तो ना सोने का टाइम होता है ना जागने का टाइम होता है, पूरी पूरी रात जागो और दिन में सो, तो ये मसाइल जल्दी जल्दी हल हो जाएं। बाहर भी जाएं तो खौफ है, हॉस्पिटल्स में जाएं तो खौफ है, तो कुछ समझ नहीं आती है। हालांकि ये वायरल का अगर हम कहते हैं, जैसे नज़ला ज़ुकाम खांसी है, तो एक आम वायरल हुआ करता था कि सबको जब हो जाता था तो नहीं हो गया, ऐसा ही हो गया, हर घर में एक दफ़ा होता था तो हर घर में होना शुरू हो जाता था। बट अब तो है भाई, छींक आने में भी डर लगता है कि ये छींक आ रही है तो अब पता नहीं क्या है। सो खौफ, बहुत ज़्यादा ही खौफ फैल गया, और खौफ से ही लोग जो हैं ज़्यादातर जो है इसका शिकार हो जाते हाइपर होने के बाद। तो ये मिस्री जो है हमारी ये पिस चुकी है, और अब इसके बाद हम लोग खशखाश पीसेंगे। सौंफ हम लोगों ने बिल्कुल जो है पीस ली है। अच्छा जी, ये सौंफ और जो खशखाश है ये इसमें पिसने में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लेती है। अगर कोई ये ना कर पा रहा हो तो वो ऐसा भी कर सकता है कि इसको मिक्सी में एक दफ़ा चला दें आप, थोड़ा सा उसका पाउडर फॉर्म में आ जाएगा तो इजी हो जाएगा। मिक्सी में भी किया जा सकता है, बट ये जो है अच्छा इसका यही है कि हम लोग इसको ठंडा गुंडी में करें। तो जो मैं अपना अगर सौंफ का कहती हूँ तो आप लोगों के लिए यही कहूँगी, क्योंकि बहुत टाइम लेती है ये इससे पिसने में। फिर जी मैं अगेन आप लोगों को कहूँगी, प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस देखें और जो है मेरी मेहनत वसूल हो। आज ये बात समझ आती है कि जब यूट्यूबर कहते थे कि भाई हमारी एक एक वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत एडिटिंग में भी बहुत टाइम जाता है, तो काम इंसान जब तक खुद नहीं करता तो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है। और अब मुझे रियलाइज़ होती है जब एडिटिंग में मेरा दो दो तीन तीन घंटा चला जाता है। ज़्यादा टाइम इसलिए भी जाता है कि आपको पता है न्यू है, सीख रहे हैं, लर्निंग स्टेज पर हैं, तो
बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, और फिर वीडियो को बनाने में मेहनत और फिर एडिट करना, तो ये सब जो है बहुत वो हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग हमारी मेहनत को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम बेटर से बेटर काम लेकर आएंगे। तो ये जी खशखाश भी पिस चुकी है और इसको अब ट्रांसफ़र कर रहे थे बोल में, हम इन सब को इकट्ठा कर देंगे तो फिर आगे देखिएगा आप लोग। और इलायची मेरे हबी लाना भूल गए थे तो ये जो है लेट आई, लास्ट में जो है इलायची कूट रही है। अब जी ये जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा, अब जो है मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा वो ये कि अब इन्होंने सबको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें पानी डालेंगे और इसका अर्क निकालेंगे। ये देखिए ये पानी ऐड किया और ये एक बड़े से पतीले में जो है हमने बर्फ़ डाल दी, और एक जो है मलमल का दुपट्टा लेना, मलमल का पीस हो तो वो ले लें, और जो है ये इस तरह जो है आप इसको स्ट्रेन करें और इसको जो है वो स्क्वीज़ कर करके। ये प्रोसेस ऐसा है कि इसके लिए तो भाई पहले बहुत ही अच्छे से आप हाथ अपने वॉश कर लें, हैंड वॉश, क्योंकि ये तो ऐसे ही हो सकता है ये काम। तो इसमें हमने खूब सारी दो बर्फ़ें डालनी हैं और ये मेरे हस्बैंड ये प्रोसेस जो है तकरीबन 5 से 6 बार करेंगे, इसको रिपीट इसमें डालते हैं, फिर उसको दोबारा से रगड़ते हैं और फिर उसको छानते हैं। तो ये तकरीबन 5 से 6 बार उन्होंने किया था। उसके बाद जितनी क्वांटिटी में पानी इसमें डालना चाहिए, जितने में डल रहा है तो वो जो है उन्होंने ऐड कर दिया था इसमें। तो ये प्रोसेस आप अच्छे से नोट कर लें और देख लें और ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम भी है और पहले अब जो है जदीद चीज़ें आ गई हैं, पहले वक्तों में तो हर चीज़ इसी तरीके से मेहनत से और अच्छे से बनाई जाती थी कि जिसके जिसमें टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता था। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई हैं, जल्दी जल्दी उनको पीसो और बना लो, तो वो उन चीज़ों का वो जायका वो मज़ा ही नहीं रहता। और ये जी मिश्री ऐड की है इसमें, जितना आप लोग मीठा खाना चाहते हैं मिश्री जो है ऐड करें, मिश्री ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम मिश्री ऐड करते हैं, हम शुगर ऐड नहीं करते इसमें आर्टिफिशियल। और बस अब ये प्रोसेस होगा 5 to 6 times और इस ये वीडियो थोड़ी लंबी है मेरी, मैं चाहती थी कि डिटेल में सारे देखें। जी तो 5 to 6 times ये हो गया है और अब ये नेक्स्ट लास्ट टाइम कर रहे हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और ये मेरे हस्बैंड की मेहनत और मेरी मेहनत को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और ज़रूर से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।